हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप लोगों का स्टडी 24 HR में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को आयु संबंधी यानी एज संबंधी प्रश्न जो है आयु के आधारित कुछ प्रश्न है जो इजी वे में कैसे करेंगे, तो हम आइए एक एक करके उस प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 है और 5 साल बाद यह अनुपात 7:2 हो जाएगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु बताओ। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आयु संबंधी प्रश्न जितने भी हैं, ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे सब आधारित हैं। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंतर्गत आता भी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक इसका बेसिक हम देख लेते हैं। बेसिक में कैसे, जैसे दिया पिता और पुत्र की आयु का वर्तमान 6:1 है। वर्तमान आयु जो है, वर्तमान क्या है, 6x और यक्ष है। अब कह रहा है 5 साल बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, 7:2 हो जाएगा। तो यानी रेशियो का मतलब हम बताए थे क्या, बटा होता है 6:1, तो 6/1। तो वर्तमान जो दिया है 6x और बाई एक्स, 5 साल बाद कह रहा है, 5 साल बाद, तो इसमें क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। भाई चाहे पिता हो पुत्र हो कुछ भी हो, जो भी बढ़ता है साल में बढ़ रहा है, तो हमेशा जैसे मान लीजिए हमारा उम्र जो है 10 साल है और ठीक है आपका उम्र 15 साल है, लेकिन 5 साल बाद उम्र कितना होगा, तो हमारा 15 होगा और आपका 20 हुआ, लेकिन बढ़ोतरी जो होगा तो सेम हुआ, दोनों में हुआ। बढ़ोतरी में तो कोई डिफरेंस नहीं होगा भाई, 5 जो साल बढ़ रहा है तो आपके लिए भी बढ़ रहा है, हमारे लिए भी बढ़ रहा है, तो वही चीज। तो यहाँ पे जब पिता 5 साल का हुआ तो पुत्र भी 5 साल बढ़ेगा। अब इनका उम्र जो है कितना हो जाता है, बराबर 7/2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2 6 12x + 10 और यहाँ बराबर 7x + 35। अब हम इसको क्या करेंगे, x वाला एक तरफ कर लेंगे, बिना x वाला एक तरफ कर लेंगे, तो 12x - 7x सही, प्लस के साथ था इधर आया माइनस होगा, और ये प्लस का साथ था तो इधर जाएगा, ये भी क्या होगा, माइनस होगा, 35 - 10। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 5x होगा, 12 में से 7 हो जाएगा, 5 हुआ, अब बराबर 25 हुआ। x की वैल्यू कितनी आ गई, 25/5, कितना हुआ, 5 हुआ। अब कह रहा है पुत्र की आयु हमें बतानी है, पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है। अब वर्तमान आयु पुत्र की इतनी है यक्ष, तो यक्ष की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, ये पुत्र की आयु हो गई। पिता की आयु अगर पूछता तो 6 × 5 = 30 हो जाता। ये तो आपका बेसिक था। अब हम आइए इसको मतलब कैसे ट्रिक बेस में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पिता और पुत्र दिया है, इसमें आप एक चीज जानिए, इंग्लिश में टेंस पढ़े होंगे, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हमेशा यहाँ प्रेजेंट यानी वर्तमान जो होता है बीच में रहेगा, वर्तमान आपका बीच में रहेगा, ठीक, जो भी रहेगा। उसके बाद क्या आएगा, पास्ट रहेगा यानी भूत रहेगा, भूतकाल, और यहाँ भविष्यकाल। इसका मतलब आप जानते हैं, इसलिए ये आप वर्तमान मान लीजिए, ये आप क्या मान लीजिए, भविष्य मान लीजिए, ये भूत मान लीजिए। इसको इसलिए इसमें इसकी जरूरत पड़ी, हम इस समय जो कर रहे हैं क्या है, ये वर्तमान है, लेकिन हमने जो कल किया था वो क्या है, भूत है, और जो मैं अभी इसके बाद आने वाले कल जो मैं करूंगा वो क्या होगा, भविष्य होगा। इसका बहुत अच्छे से इसमें प्रयोग होता है। जैसे दिया है 6:1 अनुपात है, कितना है, पिता और पुत्र का, पिता और पुत्र, यहाँ 6 है और 1 है। 5 साल बाद यह अनुपात कितना हो जा रहा है, 7:2 का। अब वर्तमान से 5 साल बाद
आगे बढ़ रहा भाई कि हम क्या किए, 5 साल बाद क्या हो जाएगा, 7:2 हो जा रहा है। इतना आप रेशियो जान जाइए, ये कितना हुआ, बढ़ रहा है 5 साल। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, 6 में से 7 में से 6 जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हुआ, और 2 में से 1 जाएगा 1। ये रेशियो आपका सेम है, ये रेशियो आपका सेम है, ठीक। अच्छा, जब ये रेशियो आपका सेम है तो एक कितना हो रहा है, 5 हो रहा है भाई, 1 की वैल्यू 5, इसका भी डिफरेंस निकालेंगे तो 1 ही होगा, यानी जब ये सेम है तो 1 की वैल्यू कितना हुआ 5 हुआ। तो हमें पूछ रहा है वर्तमान में पुत्र की आय, तो वर्तमान आपका यही है, इसमें गुणे 5 कर देंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 5 वर्ष। अगर पिता का पूछता तो हम इसमें 5 से गुणा कर देते, 30 हो जाता। ये तो आपका बेसिक, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस हो गए। यानी सबसे पहला आपको क्या करना रहेगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीन चीज को, पास्ट को ऊपर, प्रेजेंट को बीच में, फ्यूचर को लास्ट में, ठीक है। अब इसी पे आधारित हम और क्वेश्चन करेंगे जो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब। अब हम इसका यूज बहुत कम करेंगे, हमें बस इसी रेशियो मेथड पे किसको रेशियो को बराबर करना है, किसको नहीं करना है। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो जो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन दिया है, 5 साल पहले पिता और पुत्र की आय का अनुपात 3:2 था, और 5 साल बाद यह अनुपात 5:4 हो जाएगा। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताना है, तो पहले आप देखिए प्रेजेंट, प्रेजेंट हमें पता नहीं है, यहाँ लिख दीजिए पास्ट, यहाँ लिख दीजिए फ्यूचर, इतना तो आपको पता ही है, पिता हैं और कौन है, पुत्र हैं। पहले कितना था, 3 था, अब कितना हुआ, पिता और पुत्र। अब 5 साल बाद, पहले था और 5 साल बाद, यानी कब, वर्तमान से 5 साल बाद कितना था, 5:4 था। अब हमें वर्तमान बताना है लेकिन हमें पता नहीं है। अच्छा, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 2 है, इसका डिफरेंस निकालेंगे 2 है, दोनों भाई सेम है, 5 में से 3 जाएगा 2 हुआ, 4 में से 2 जाएगा 2 होगा, ठीक। अच्छा, ये 5 साल पहले था, कब से, वर्तमान से, 5 साल पहले था तो यहाँ माइनस, 5 साल बाद ये क्या हुआ, 5 साल ये मिलाकर कितना हुआ, 10 साल हुआ, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 10 के बराबर हो जाएगी, या कितना था, +5, यानी इधर ये बढ़ा और इधर घटा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 2 की वैल्यू आपकी 10 के, 1 की वैल्यू कितना जाएगी, 1 = 5 के, जब 1 आपका 5 के बराबर हो गया, अब चाहे इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 की वैल्यू 5 हो गए, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 5, यहाँ कर दीजिए 5। पहले क्या था, पिता और पुत्र, पिताजी जो थे पहले 15 साल के थे, और पुत्र जी उनके कितने थे, 10 साल के थे। अब वर्तमान पूछ रहा है, तो भाई जब पहले थे तो वर्तमान में कितना, 5 साल बढ़े हैं, तो 5 साल यहाँ ऐड कर दीजिए, 20 हो गए, और यहाँ ऐड कर दीजिए, ये क्या हो जाएंगे, 15, यहाँ 20 हो जाएगा और यहाँ 15, यानी पिताजी इनके कितने हो जाएंगे, 20 साल के, और पुत्र इनके कितने हो जाएंगे, 15 साल के। अगर हम इसी 5 को यहाँ रख देते थे 25 हो जाता, तो भाई ये तो 5 साल पहले बताया, तो यहाँ पे इसको 5 माइनस कर देते हम यहाँ से, तो क्या हो जाता, 20 हो जाता, और यहाँ 5 चौका 20, 5 माइनस कर देते हैं 15 जाता, यानी पिता और पुत्र की आयु कितना हो गया भाई, पिता इनके 20 साल हो गए और पुत्र इनके 15 साल हो गए, यही आपका आंसर हो गया, ठीक। सबसे पहले हम क्या किए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, हमने देखा था है कितने साल भाई, पास्ट की हम पहचान कैसे जानते हैं, इसमें था थे थी अलग आए हो,
और प्रेजेंट तात्पर्य जो चल रहा है, फ्यूचर जो आगे जाएगा, मतलब आगे भी आएगा। यहाँ देखिए, इस तो पता हुआ, यहाँ लिखा है पिता तीन के थे, पुत्र दो थे, 3:2 हो गया। यहाँ पे 5:4, दोनों का हमने डिफरेंस निकाला, ठीक, डिफरेंस दोनों सेम है, तो दो की वैल्यू आपकी, 2 की वैल्यू 10 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 5 हो गई। अब इसी 5 को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आपका पास्ट वाला निकल गया। अगर इसी को हम 5 का यहाँ निकाल करते तो फ्यूचर निकल जाता। अब इसमें से अब हमें वर्तमान ज्ञात करना है, तो पास्ट में से 5 जोड़ेंगे तो वर्तमान आ जाएगा, अब फ्यूचर में से अगर 5 साल घटा देंगे तो हमारा तभी आ जाएगा, वर्तमान आ जाएगा। यही आपका प्रोसेस है। अब इसी मेथड पे पूरा का पूरा एज एंड प्रॉब्लम सब सॉल्व, ठीक है, आयु संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सब इसी पे सॉल्व हो जाएंगे। आइए कुछ क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए भाई। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे राम की आयु श्याम की आयु से 2 गुनी है, 10 साल पहले राम की आयु श्याम की आयु से 4 गुनी थी, तो राम और श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो पहला हम प्रेजेंट, वर्तमान हो गया, और एक क्या है पास्ट हो गया। राम और श्याम दो लोग थे, 10 साल पहले, वर्तमान से 10 साल पहले राम जी जो थे कितने साल के थे भाई, 2 साल के, और श्याम से 2 गुने 1। अब 1 का 2 गुना तो 2 होगा। अच्छा, राम की आयु से श्याम की आयु से, राम की आयु श्याम की आयु से 2 गुनी, 10 साल पहले राम की आयु श्याम की आयु से 4 गुनी थी। अब क्या है, राम की आयु श्याम की आयु से 2 गुनी है, यानी ये प्रेजेंट हुआ। 10 साल पहले कितने थे, 4 थे 1 थे। अब देखिए इसका फिर वही पुराना मेथड, इसमें क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। ये आपका 2 हो गया, ये 0 हुआ भाई। अब बताइए, अब तो इसमें डिफरेंस 0 और 2 का आ गया, अब सेम तो आया है, तो उसके पहले हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे, क्योंकि जो बढ़ेगा घटेगा सब बराबर ही घटे बढ़ेगा, चाहे साल में वो बढ़े, चाहे साल में घटे, चाहे महीने में बढ़े, चाहे दिन में बढ़े, दोनों लोगों का एक ही समान बढ़ेगा। हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले बराबर करेंगे। इसका डिफरेंस कितना है, 3 का, इसका डिफरेंस कितना का है, 1 का है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। और जब 3 का इसमें करेंगे ए, तो यहाँ भी करेंगे। अब यहाँ राम और श्याम की आय कितनी हो गई, 4:1 और 6:3 हो गई, ठीक है। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, ठीक है। देखिए भाई, 2 2, अब 2 की वैल्यू कितनी है, 2 बराबर किसके, 10 के, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 के। ये आपका पहले क्या करेंगे, सेम करेंगे, सेम हो गया, और यहाँ लिख देते हैं सेम, यानी बराबर करने पर, बराबर करेंगे, 1 की वैल्यू 5 निकल गई। अब बात पूछ रहा है वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो वर्तमान हमारा यही निकला है 6:3, वर्तमान आपका 6×5:3×5, 30:15, ये तो आपका यही वर्तमान निकला। अगर इसी क्वेश्चन को हम इस हिसाब से लगा लें, अगर ये क्या था, 2x था, और ये क्या था, यक्स था, 10 साल पहले -10 -10, अब कितना हो गया, 4:1 हो गया था, यही था। अगर हम इसी को यहाँ कर दें मल्टीप्लाई, 2x-10 = (x-10), यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2x और 4x, 2x-10 और यहाँ आपका 4x-10,
टू एक्स माइनस टेन और फोर एक्स माइनस, यहाँ देखिए फोर का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा फोर एक्स और ये हो जाएगा आपका फोर्टी। अब हम इसको एक्स वाला एक तरफ कर लेंगे, बिना एक्स वाला एक तरफ करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस टेन प्लस फोर्टी, ये आपका कितना हो जाएगा फोर एक्स माइनस टू एक्स। यहाँ से एक्स की वैल्यू इसको हम मिटा देते हैं, तो पहले बताए थे, अब इसका दूसरा मेथड हम बता रहे थे जो बेसिक होता है, इसको बता रहे थे, इसको हम हटा देते हैं। ठीक, चलिए यहाँ देखिए 30 बराबर 2x, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 15 आ जाएगी, x की वैल्यू 15 आ जाएगी। और हमारा क्या था, वर्तमान जो था श्याम, और ये क्या हो जाएंगे राम जी की आयु 15 × 2 = 30, ऐसे भी आपका बेसिक से भी आ गया यानी 30:15, और ऐसे भी आया था कितना 30:15। आपको जो इजी लगे उस तरह से कर लो, इसमें थोड़ा सा मल्टीपल मतलब आपका गुणा भाग ज़्यादा है, इसमें इजी है, इसको रेशियो से करना क्या है कुछ नहीं, बस आपने जो हद दिया निकाल दिए, रेशियो को समान किए, अगर देखे पहले डिफरेंस नहीं समान में आ रहा है, अगर डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है तो इधर से डिफरेंस निकालेंगे और इधर से, ठीक है, और दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर वाला इधर और ऊपर के नीचे जो सेम आएगा उसको देख लेंगे डिफरेंस कितना बढ़ रहा है, 10 हो रहा है या 20 हो रहा है या जो भी हो रहा है कर लेंगे। और अगर वर्तमान है, अगर यही भविष्य का पूछता कि 10 साल 5 साल बाद कितना होगा, तो हम अपना उसी करके 5 साल ऐड करके उसमें कर देते हैं। ये आपका आयु संबंधी इस तरह का प्रश्न, अब जितने भी हैं सब इसी मेथड पे सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए इसके बाद हम एक दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन और, जैसे 4 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 2:3 था और 4 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात 5:7 हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। तो पहले तो वर्तमान हम लिख लें, फिर पास्ट लिख लें, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और ए है और बी है, ए की आयु पहले क्या थी 2:3 था, वर्तमान हमसे पूछा है, वर्तमान दिया नहीं है, ये आपका 5 था और 7 था, वर्तमान से 4 साल पहले था और ये वर्तमान से 4 साल बाद हो गया। ठीक, 4 साल पहले 4 साल बाद, 4 साल पहले हो गया और ये क्या हुआ 4 साल बाद। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सबका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस देखिए निकालेंगे तो इसका क्या हो रहा है 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा और यहाँ क्या जाएगा 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, तो डिफरेंस तो इसका बराबर आ नहीं रहा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे रेशियो को बराबर करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इसका डिफरेंस कितना है 1 का, इसका डिफरेंस कितना है 2 का, तो 1 और 2 का, 1 का गुणा इसमें कर देंगे और 1 का गुणा इसमें करेंगे, 2 का गुणा इसमें करेंगे और 2 का गुणा इसमें करेंगे, तो यानी ए और बी कितना जाएगा, ए रेशियो बी कितना जाएगा 4 और 6, यहाँ कितना जाएगा 5 और 7। अब देखिए घटाएंगे तो 1:1, अच्छा 1 और 1 की वैल्यू कितना रहा है 4 और 4 8 हो रहा है, तो 1 की वैल्यू कितना जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 बराबर 8 के। अब हमें बताना है वर्तमान, तो हम कोई किसी में भी मल्टीप्लाई कर दें, 8 × 4 = 32 और 8 × 6 = 48, ये आपके हो जाएंगे 32 साल के और ये हो जाएंगे 48 साल के। अब हमें बताना है वर्तमान बताना है, इसमें से 4 माइनस कर दीजिए, ठीक है, ये तो पहले था, इसमें 4 जोड़ दीजिए प्लस 4 तो हो जाएंगे 36 और ये कितने हो जाएंगे भैया, इसमें 4 जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएंगे 52 साल के हो जाएंगे, यानी आपका 36 और 52 यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ए आपके कितने साल के होंगे 36 साल के और बी कितने हो जाएंगे 52 साल के हो जाएंगे। ठीक,
ऐसे सबसे पहले हम क्या किए हैं, इसमें हमने लिख लिया जो वर्तमान है, वर्तमान हमें पता नहीं था, 4 साल पहले दिया है, दो रेशियो 2 और 3 का, 2 और 3 हमने कर लिया ये भी। फिर उसके 4 साल बाद दिया है 5, जो वर्तमान है उसके अब 4 साल बाद दिया है 5 और 7 का, हमने डिफरेंस देखा, डिफरेंस बराबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे डिफरेंस बराबर करने के लिए, इसका डिफरेंस निकालेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे, इसका 2 का मल्टीप्लाई इसमें किए और इसका 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिए। अब आया हमारा 2 मतलब 2 दूना 4 और ये क्या जाएगा 6 हो जाएगा, 4 और 6 की रेशियो में आया, 5 और 7 में आया, 1 और 1 आ गया। अब 1 के बराबर किसके के, 8 के बराबर, भाई 4 और 4 मिल करके 8 साल हो गए। जब 8 साल हो गया तो आपका 32 साल का हो गया, 48 साल का हो गया। अब पूछ रहा है वर्तमान, एक तो पहले थे, जब पहले थे तो हमने 4 को क्या किया, जोड़ दिया इसमें, 36 साल के हो गए, 32 4 36 हो गए। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 52 साल हो जाएगा। ठीक, अगर यही हम यहाँ से कर सकते हैं, 8 5 40, 8 7 56, इसमें से 4 अगर माइनस करते तब आ जाता आपका आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।